हम बचे हाँ पता नहीं तो देखा आप लोगों ने ये वीडियो हमारा कुछ दिन पहले का है. हम लोग एक्चुअली मार्केट जा रहे थे कुछ लेने के लिए. तो जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर गए तो मैंने सोचा यूट्यूबर हूं तो सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ मोमेंट्स को. और जैसे ही वीडियो चालू किया था अभी और एक्सीडेंट हो गया और इसमें हम लोग बाल बाल बचे. वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास से होकर निकली बाइक जो मतलब गिरी और उस पे तीन लोग बैठे हुए थे. तो वैसे ही वो लोग रूल्स तो फॉलो कर ही नहीं रहे थे. गाइस जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनाए जाते हैं ना वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं. हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं लोग. और उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ वो तीन लोग बैठे हुए थे एक बाइक पे. तो तीन लोग बैठेंगे तो आगे वाले का बैलेंस तो वैसे ही बिगड़ता रहेगा. और पीछे वाला जो लड़का था ना उसको इतने बुरे तरीके से लगी ना यार. उसकी पूरी टांग कट गई थी. स्किन पूरी वाइट वाइट स्किन दिखी थी और ब्लड तो ऐसे ही रोड पे मतलब मेरी टांगे उसको देख के ऐसे कांपने लग गई. उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाया. इतना मेरा मन खराब हुआ. कितने दिन तक तो मेरा मन ही खराब रहा. वही सीन बार बार आ जाता था. आजकल आप न्यूज में देख लो कहीं भी देख लो यंग डेथ्स और वो भी एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग रूल्स फॉलो नहीं करते. और पता क्या होता है कई बार गलती किसी और की होती है और लॉस किसी और का हो जाता है. जब सामने वाला एक गलत आ रहा होगा हम लोग सही भी जा रहे हैं और सामने वाला गलत आके हमें टक्कर मार दे तो हम भी गिरेंगे उसको तो लगेगी ही लगेगी. पर हमारी क्या गलती इसमें? तो सब लोगों को रूल्स फॉलो करने चाहिए और एक लिमिटेड स्पीड से चलना चाहिए. और मैं देखती हूँ बहुत जगह पे देखती हूँ कि लोग ना सिग्नल्स जो होते हैं ना रेड सिग्नल में भी क्रॉस करते हैं और उनके बच्चे भी साथ में होते हैं. तो हम लोग अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे सिग्नल तोड़ेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हम लोगों से? वो भी वैसे ही करेंगे. इसीलिए तो यंगस्टर्स हैं टीनेजर्स हैं. कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा पता कैसे चलते हैं ऐसे बाइक होगी ऐसे 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 करके. ये क्या तरीका हुआ बाइक चलाने का? मतलब आप स्टंट दिखा रहे हो रोड पे स्टंट दिखा रहे हो. तो ये वीडियो डालने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि प्लीज आप लोग सभी जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें और अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है और अपने आप को सेफ रखें. उन पेरेंट्स से पूछें जिन लोगों ने अपने यंग यंग बच्चों को खो दिया है हमेशा के लिए उन लोगों के मन पे क्या बीतती है. मैं यहाँ पे सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ ऑल ओवर सभी की बात कर रही हूँ कि रूल्स को फॉलो करते हुए ड्राइव करें और सेफ रहें. थैंक यू सो मच.